अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो वैसे तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज क्या बनने जा रहा है। तो आज हम बना रहे हैं पोटैटो कटलेट्स, यानी कि आलू की टिक्कियाँ या कबाब कह लें। बहुत ही जल्दी और आसानी से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी है। गर्मियों के लिहाज से तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा देर चूल्हे के आगे भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और चलते हैं अब इसकी रेसिपी की तरफ। जी, तो रेसिपी कार्ड आ गया है, इसमें सब तमाम इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो आपको बआसानी आपके किचन में मिल जाएंगे। आलू आपने अपने टिक्कियाँ जितनी आपने बनानी है उसको साफ से लेने, बाकी प्याज, हरा धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली, कैप्सिकम ऑप्शनल है, लेमन भी ऑप्शनल है, सॉल्ट टू टेस्ट अपने हिसाब से, अपने नमकों को मिर्च ऐड करनी है, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले हैं और 2 अंडे। ठीक है, कॉर्नफ्लोर इसलिए डाल रही हूँ जब वो बॉइलिंग एजेंट है, इससे आपकी टिक्कियाँ सूखेंगी। बाइंडिंग का काम करेगा, बाइंडिंग एजेंट भी कह लें या कॉर्न स्टार्च कह लें। इसके 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स तमाम अज्जा को। तो सब अज्जा मिक्स हो चुके हैं, अब हम पानी ले लें या ऑयल ले लें, अपने हाथों को अच्छी तरह से गीला करें। और इसको मटेरियल आप जितना कम लेंगे उतनी ही अच्छी आपकी टिक्कियाँ बनेंगी, पतली भी और छोटी भी। रेसिपी है, आप इसको घर की रोटी के साथ बना लें या फिर बाजार नान के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, एज यू लाइक। तो जी, एक साइड हो चुकी है, अब हम इसको टर्न करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इन सब टिक्कियों को कटर्स को हम उल्टाएंगे। तो ये दें जी, ये हमारी टिक्कियां रेडी हैं। देखिए आपने बिल्कुल भी नहीं टूट रही। तो ये हमारी बगैर अंडे के भी टिक्कियां फ्राई हो गई हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। हो जाता है, कोई बात नहीं, गिर जाती हैं चीजें। अच्छा जी, अंडे के बगैर टिक्कियां रेडी हो गई। अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए रोल। तो मैंने ये घर की रोटी ली है, इसके अंदर मैं टिक्कियां रखूंगी। बच्चे नहीं खाते हैं अक्सर, तो उन्होंने
बारी आ गई है, ये इमली और आलू बहारे की चटनी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक हो गया, अब हम इसको रोल बन गए। अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से रोल बना के कलरफुल वेजिटेबल्स डालें तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और आपको पता है, खाने से पहले इंसान नज़रों से चीज़ खाता है। तो जी, ये देखें कितना मज़ेदार सा जूसी सा रोल भी तैयार है और टिक्कियाँ भी हमारी रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। लाजमी दुआया करें कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।